कंसेप्ट अपने फिजिकल केमिस्ट्री का फंडामेंटल चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है जिसमें हम ये सीखेंगे कि मोल का यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, अब मोल स्टार्ट करने से पहले हम जो है सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साइंटिस्ट का नाम था, जो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि एटम्स होते हैं। एटम्स का नाम लेने वाला साइंटिस्ट है पहला था। तो उसने बोला कि एवरी कंपाउंड इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ठीक, तो सबसे पहले तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि एटम जो है होते हैं हर कंपाउंड में और सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, दूसरे इसने बोला कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स की डेफिनेशन इसने बोली कि दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तीसरा इसने बोला कि ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन ए पर्टिकुलर एलिमेंट। अभी बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? डाल्टन ने तो दे दिया स्टेटमेंट, पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसका कारण क्या है कि बाद में जाके आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, तो एक ही एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो दे आर डिफरेंट। तो इसका ये वाला पॉइंट तो एक तरह से गलत हो गया बाद में जाके। ठीक है, चौथा पॉइंट ये बोला इसने कि एटम्स कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट भी आगे जाके फेल हो गया। कैसे? जब न्यूक्लियर रिएक्शंस आई कि लार्जर हैवी न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, या स्मॉलर न्यूक्लियस को एसोसिएट करके हम एक लार्ज न्यूक्लियस बना सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट इसके एक तरह से बाद में खारिज हो गए। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिए गए। इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि हर कंपाउंड में एटम्स हैं। And atoms are the smallest particle which can take part in a chemical reaction. बात समझ आ गई? तो इनमें से इन दोनों का जो exception आया, इसका exception क्या आया कि isotopes are different. Exception कौन से हो गए? Isotopes. और इसका exception कौन सा हो गया? Nuclear reaction. ठीक है, चलिए। तो अभी तो अपन ने देखा कि atoms smallest particle है जो कि chemical reaction में participate करता है। ठीक है, बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अपन एक चैप्टर है अपने, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स एटम, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, क्या क्या चीजें होती है पार्टिकल, किस तरीके से सिचुएट होती है, वो सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एटम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लो फटाफट। ठीक, तो एटम में हम ये बोलते हैं कि देयर इज ए स्मॉलर स्फीयर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस के आसपास हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। न्यूक्लियस में हम दो चीजों को बताते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक,
अगर मैं चार्ज के हिसाब से इनको कैटेगराइज करूं तो न्यूट्रॉन हैज जीरो चार्ज मीन्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो तीन तरह के पार्टिकल है, इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। क्या कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1H1 प्रोटियम ऐसा होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब मैं इन तीनों पे चार्ज देख रहा हूं तो ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन पे चार्ज देख रहे हैं कितना कितना होगा, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। तो रिप्रेजेंटेशन इनका क्या क्या होता है, ये ई, ये पी और ये एन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1E0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1H1 या फिर H+ भी लिखा जाता है इसे, ठीक है। इसको हम 0N1 लिख सकते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। या इस प्रोटॉन को मैं +1P1 भी लिख सकता हूं, तो 1H1 इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अगर मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं तो इस पे चार्ज कितना होगा, -E, इस पे चार्ज कितना होगा, +E, और इस पे चार्ज क्या होगा, 0। अब E का मतलब क्या है, दिस ई मीन्स 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, क्लियर है। तो ये तो हो गया चार्ज, ठीक है। मास के बारे में हम बात करें तो मास कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 × 10⁻²⁷ kg और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 × 10⁻²⁷ kg। अब बताइए सबसे हेवियर पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन, और लाइटर पार्टिकल सबसे, इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का मास लगभग एक ही मान के सोल्व करेंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और उनमें हेवियर कौन सा है, थोड़ा सा स्लाइटली न्यूट्रॉन इज हेवियर, ठीक है ना। तो ये किसमें है कि एटम में जो है तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन हम किसको बोलते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। तो कौन कौन से पार्टिकल है न्यूक्लियस में, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स हम कैसे गिनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो ये तो अपने क्या निकाला है कि हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर। न्यूक्लियॉन किसको बोल रहे हैं अपन, कि जो न्यूक्लियस में पार्टिकल है वो कौन कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन। दूसरी डेफिनेशन हम ले रहे हैं MU और U। MU जो है इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, और रिसेंट डेज में इसको U से रिप्लेस कर दिया गया है जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब एक्चुअली व्हाट इज एमयू, एमयू क्या होता है, एमयू इट इज यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम। अब देखिए एटम का मास तो मैं ग्राम और केजी में भी बता सकता हूं, लेकिन ग्राम और केजी में वो बहुत ही कम है, यूनिट बहुत बड़ी है केजी और ग्राम। तो एक बहुत छोटी यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है, वो कौन सी है, एमयू। अब एक एमयू की वैल्यू
कितनी मानी गई है, इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, या इसको लगभग इसको ग्राम में चेंज कर लूं, 1.66 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक, तो ये किसकी यूनिट हो गई, एमयू, द वैल्यू ऑफ यू और एमयू की, ये एक यूनिट है टू मेजर मास ऑफ एन एटम, और इसकी वैल्यू है 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब एक्चुअली एक एमयू कहां से आया कि वन एमयू इज क्लोज टू मास ऑफ वन न्यूक्लियो, वन न्यूक्लियो, ठीक, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन, या मैं इसको लिख सकता हूं क्लोज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, सिमिलर है, क्लियर है बात ये, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इसको एक और डेफिनेशन बोली गई है, इट इज इक्वल टू 1/NA ग्राम। अब NA यहां पे क्या है, NA इज अवोगाड्रोस नंबर, और ये साइंटिस्ट ने जो नंबर दिया इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23। अब ये भी एक तरह से काउंटिंग यूनिट हो गई, कि अगर कोई भी बंच मैंने ऐसे लिया, कोई भी चीज ऐसी ली जो इतनी यूनिट्स हो किसी में, ठीक है, तो वो यूनिट को हमने एक क्या नाम दे दिया, एनए। जैसे अपन दर्जन को बोलते हैं ना कि 12 आपने लिया तो दर्जन बोल दिया, ऐसे ही इतना नंबर होगा तो उसको एनए काउंट कर दिया, ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए नंबर, अवोगाड्रो नंबर इज जस्ट ए नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है, और इसको जब डिवाइड करके लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लोज टू 1.66 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर लिख सकता हूं इसे मैं 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब देखो एटॉमिक मास नंबर जो है हमें कैसे हेल्प करेगा, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो न्यूक्लियस कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, मुझसे पूछा जाए इसका मास कितना है न्यूक्लियस का, तो एक प्रोटॉन का मास हम कितना ले सकते हैं, 1 mu, एक न्यूट्रॉन का मास 1 mu, यानी मिलाकर इस न्यूक्लियस का मास कितना हो गया, 2 mu, क्लियर ना। यही चीज मैं आगे और एक अलग तरीके से बताऊंगा, पर सिंपल तरीके समझ गया आप। जैसे अगर मैं मान लो कहीं भी सपोज करो मैं बोलता हूं कि यार ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, अब आप इसका मास बताइए 16 mu, पता लग गया। और एमयू हमने एक बहुत छोटी यूनिट डिफाइन की हुई है ना, क्योंकि मास को मैं ग्राम या केजी में नहीं बताऊंगा, बता सकते हैं पर क्यों नहीं बताएंगे, उसका कारण क्या है कि मास केजी और ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, तो एमयू बहुत छोटी यूनिट है इसलिए इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि एटम का मास कितना है ये बताना, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए से, दिस जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस जेड इज एटॉमिक नंबर एंड दिस ए इज, दिस इज मास नंबर। अब देखिए मास नंबर, अगर मैं बोलूं कि मास नंबर की यूनिट क्या होगी, बताइए व्हाट इज यूनिट ऑफ मास नंबर, नहीं बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि मास है तो इसकी यूनिट ग्राम या एमयू में होगी, नहीं, ये केवल एक नंबर है, इसीलिए इसके वर्ड के आगे क्या लगा हुआ है, मास नंबर, सो इट इज यूनिटलेस, समझिए बात को। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप उसके नंबर को उसके साथ कोई यूनिट लगा के थोड़े बताओगे, बताओ भाई 16 स्टूडेंट बोलोगे या 20 स्टूडेंट बोलोगे, वो सिर्फ वही होगा या ग्राम या ऐसा तो नहीं है कि वहां केजी लगा दोगे, ठीक है, तो ये नंबर सिर्फ किसको बता रहा है, नंबर को ही बता रहा है, इसलिए यूनिटलेस अपन इसको बोलेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसका मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी प्लस एन। पी प्लस एन का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ। ठीक, और जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, इसको थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे। अब देखिए, ए को मैं ये भी लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन की डेफिनेशन क्या लिखी मैंने अभी, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्हीं को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल हैं वही चीज क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इट इज मास नंबर। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 11Na23। अब ये 11 क्या होगा यहां पे? जेड। जेड का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे साथ में? 11। इसके बारे में बात करें 23, ये चीज किसका सम होगा? पी प्लस एन इज इक्वल टू 23। इसमें पी मेरे पास कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 12। बात समझ आ गई? तो रिप्रेजेंटेशन से हमें किसके बारे में पता लगा? कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन। मैं एग्जांपल बोलूं 1H1, प्रोटॉन कितने होंगे? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अब न्यूट्रॉन बताइए कितने होंगे? 0। तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, किस रिप्रेजेंटेशन से हमें पता लगेगा कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स है। ठीक ना, मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज हम लेते हैं 16 सल्फर 32, तो प्रोटॉन कितने हैं? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। ठीक, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से अलग हो सकता है, जैसे यहां पे देख लिया हमने, तो अलग से अलग भी हो सकता है प्रोटॉन से अलग। दे आइसोटोप्स की डेफिनेशन है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर द एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3। अब आप ये देखिए सिमिलरिटी तीनों में क्या है? ये वाला नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एक ही एलिमेंट होगा वो, इसलिए हम तीनों को क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हो सकते हैं, जैसे 6C12 और 6C14। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर ऊपर वाली चीज सेम होगी, ये तो हो गए आइसोटॉप्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं आइसोबार्स क्या है, तो आइसोबार की डेफिनेशन क्या है? कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एग्जांपल है, हम ले रहे हैं 6C14 और 8O16, सॉरी हाँ 7N14। अब दोनों में अगर आप देखो तो ये वाला नंबर सेम है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो अगर दो एलिमेंट में मास नंबर सेम होगा तो आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। पर ये वाली चीज उसमें डिफरेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। इसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम किसको कहेंगे? नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे n माइनस 3, o माइनस 2, f माइनस, na प्लस, mg प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। अब आप ही देखिए कि z इनका कितना कितना है, z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। इसका z है 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो ओरिजिनली इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां 7 था और 3 एक्स्ट्रा आ गए तो कितना हो गया, यहां 8 प्लस 2, 9 प्लस 1, 11 माइनस 1, 12 माइनस 2 और 13 माइनस 3। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब स्पीसीज के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम मास नंबर होगा तो आइसोबार और सेम एटॉमिक नंबर होगा तो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 6C14 एन 8O16। बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब न्यूट्रॉन निकालने का सीधा तरीका 14 माइनस 6, ठीक। और यहां पे न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 माइनस 8। तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो दोनों स्पीसीज को आपस में क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स, ठीक। इसके बाद है आइसोस्टर। आइसोस्टर्स की डेफिनेशन है सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल ले लें अपन CO2 NN2, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम नंबर ऑफ एटम, तीन एटम इसमें है, तीन एटम इसमें, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोस्टर। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग का पार्ट है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये अपन बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे डिटेल में। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर। एटॉमिक मास, अब देखिए एटॉमिक मास की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज मास ऑफ एन एटम, इट इज मास ऑफ एन एटम। अच्छा, एटम का मास मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एटम में तीन तरह के पार्टिकल है, यानी मुझे क्या करना चाहिए कि टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन करना चाहिए, सही है, न्यूट्रॉन्स, अगर अपन एक्चुअल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो। पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है, ठीक, तो इसको हम जोड़ के इसको जो है हम यहां से हटा देते हैं, यानी एटॉमिक मास कैलकुलेशन में हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक। सिर्फ हम किसको जोड़ेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इसमें जो है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कैसे दिखूंगा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, यही होगा डेफिनेशन भाई। मेरे पास जितने प्रोटॉन हैं उनको मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे देखूंगा मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इस एक एमपी की जगह मास ऑफ प्रोटॉन बराबर लगभग क्या ले सकता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, या लगभग कितना लिख सकता हूं, एमपी। तो इसका मतलब एटॉमिक मास मेरे पास हो गया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पी प्लस एन, और इसके बाहर यूनिट क्या लगा दूं मैं, और P प्लस N को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ए एम। अब आप ये देख लो
कि ए जो है, अच्छा पी प्लस एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी लिख सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उसके साथ यूनिट क्या लगा देनी है, तो वो चीज किसको रिप्रेजेंट करने लग जाएगी, या फिर इसकी जगह मैं क्या चीज लिख दूं, ए। यानी फॉर द एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 11NA23, अगर मुझे मास नंबर बताना है तो मैं कितना बताऊंगा इसका मास, 23। क्या कोई उसकी यूनिट होगी, नहीं, वो तो जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस में टोटल प्रोटोन और न्यूट्रॉन कितने हैं। टोटल प्रोटोन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 23। अगर वो मुझसे बोले कि एटॉमिक मास बताइए, तो एटॉमिक मास पार्टिकल कितने हैं इसमें, 23। और एक पार्टिकल का मास कितना मान लिया हमने, 1 mu, तो टोटल मास कितना हो गया, 23 mu। और इसको अगर मैं ग्राम में चेंज करना चाहूं तो 23 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, या मैं केजी में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 23 × 1.66 × 10⁻²⁷ kg। अब आप ये देखिए कि एटम का मास इस ऑर्डर का है, यानी कि बहुत ही कम है, एटम का मास बहुत कम है, इसीलिए हमने यूनिट कौन सी डिफाइन की है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो दो चीजों में अभी फर्क समझ जाइए, मास नंबर और एटॉमिक मास। मास नंबर इज जस्ट ए एंड इट इज यूनिटलेस, जबकि एटॉमिक मास में क्या करेंगे, इस मास नंबर के साथ क्या यूनिट लगा देंगे। क्लियर? मास, एटॉमिक मास हमेशा दिया हुआ होता है, अगर आप पेपर देखोगे जेई का तो उसमें मास, एटॉमिक मास सबका गिवन होगा, ठीक है। फिर भी कुछ स्टार्टिंग चैप्टर में हम कुछ एक याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, 1H1 6C14 6C12 7N14, ये अगर हमें याद हो जाए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें, 16 sulfur 32 12 mg 20। अगर मुझसे पूछा जाए कि मास, एटॉमिक मास कितना है इनका, बोलो एटॉमिक मास, तो इसका हम कितना लिख देंगे, 1 mu, इसका 12 mu, 14 mu, 16 mu, 32 mu। तो इतने तो आप कम से कम याद कर ही लें ताकि अपन को दिक्कत ना आए कभी भी मोल निकालने में, ठीक है ना। बाकी जो नहीं दिया हुआ होगा वो पेपर में दिया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करनी है। तो एटॉमिक मास इतना हो गया। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप सीधा निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 4 × मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो इसी के बेसिस में एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल इन mu अपॉन एटॉमिक मास इन mu, मास इन mu। सिंपल फार्मूला है, देखो ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत जबरदस्त फार्मूला आ गया यहां पे, ठीक है ना। आप सिंपल कोई भी चीज है, जैसे अपन बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 ऑरेंजेस हैं, ठीक है ना, और सैंपल का मास 1200 ग्राम है मान लो, ठीक है ना। तो व्हाट इज मास ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हो ना, वही मैथमेटिक्स ही, ठीक है ना। यानी कि हम अगर कितने एटम्स हम निकालना चाह रहे हैं तो सैंपल का मास, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि सारे एटम एक जैसे होने चाहिए, वरना फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हीलियम कोर लिख देता हूं मैं 2He4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 mu। अब मैं एग्जांपल बोलूं आपको कि 24 mu हीलियम सैंपल, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इजीली बता सकते हो कितना होगा, 24/6 atoms। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है अपन को, हमें पता है कि हीलियम के एक एटम का मास कितना है, 4 mu, तो 6 atoms ले लूंगा तो कितना हो जाएगा वो, 20। तो उसी के बेसिस पे फार्मूला लिख दिया कि एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल mu में अपॉन एटॉमिक मास इन mu। अब ये सावधानी रखनी है अपन को,
सावधानी क्या रखनी है कि ये किस में होना चाहिए, और ये भी ए में, तभी कैंसिल आउट होगा। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दूं, मैं 24 ग्राम कर दूं, ठीक है, तो 24 ग्राम के केस में फिर अलग तरीके से सॉल्व होगा, करके देखते हैं अपन। कर दूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 24 ग्राम सैंपल, ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू सैंपल का मास कितना है 24 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना रखना है 4N। भाई सैंपल टोटल मेरे पास है, ठीक है, अब सैंपल में कितने एटम है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम को हम क्या नाम दे रहे हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, तो एटॉमिक मास तो फिक्स है ना 4 mu, और सैंपल हमने चेंज कर दिया 24 ग्राम, तो अब हमें ये कैंसिल नहीं कर सकता मैं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने लिखा था कि 1 mu इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, NA क्या था, एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा इज इक्वल टू NA mu। अगर मैं यहां पे इसको चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 24 into NA mu अपॉन 4 mu, कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, ये आंसर आ जाएगा 6 NA आंसर, वेयर NA इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻¹। बात समझ में आ गई, ये नहीं है कि आप कंफ्यूज होके इसको जो है 4 ग्राम लिख दिए, है ना, ऐसा हो सकता है ना कि हम इसको 4 ग्राम कर देंगे, यार ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लिखना पड़ेगा, मुझे ग्राम में लिखना नहीं पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा यूनिट के साथ। अब चाहो तो आप एमयू को ग्राम में चेंज करके कर दो, तभी आंसर तो यही आएगा, ठीक ना। तो अभी हमने जो है एटॉमिक मास के बारे में बात की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक फर्क क्या है, एक तो सिंपल सा एक फर्क यह है कि एटम आइसोलेटेड अकेला एटम है, और मॉलिक्यूल इज अ बंच ऑफ एटम्स, अगर अपन देखें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अगर अपन डेफिनेशन वाइज जाएं तो एटम की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली, यानी अगर मैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ता जाऊं तो जो उसमें सबसे छोटी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक, यानी कि हम ये बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली, ठीक, और एटम की क्या डेफिनेशन है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल हीलियम O2, O3, H2SO4, मुझसे पूछा जाए व्हाट इज एटोमिसिटी, देख के पता लग जाएगा आपको कितनी एटोमिसिटी होगी इसकी, इसकी इसकी और इसकी सेवन। तो एटोमिसिटी टर्म डिफाइन करते हैं टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ये तो हो गया मॉलिक्यूल। अब मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर मास की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इट इज अ मास ऑफ सिंपल वन मॉलिक्यूल, और कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक, यहां तक नोट कीजिए, मॉलिक्यूलर मास इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक, या फिर हम इसे लिखते हैं इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल,
इन वन मॉलिक्यूल। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, H2O का मॉलिक्यूलर मास बताना है मुझे। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब बताइए कितना होगा मॉलिक्यूलर मास इसका? 18 यूनिट एमयू। अब क्या होता है, कई बार बच्चा जिसने मोल पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर उससे बोलूं ना कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है और पहला ऑप्शन दे दूं 18 ग्राम, तो हो सकता है वो 18 ग्राम टिक कर दे। आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूल बहुत छोटी यूनिट है, तो कभी भी ग्राम में तो नहीं हो सकता ना ये, कि एक मॉलिक्यूल में 18 ग्राम बोल दूं, इट इज इम्पॉसिबल। जो चीज आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन 1 MU और ऑक्सीजन 16, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 18 MU। तो ध्यान रहे मॉलिक्यूलर मास भी किसमें बताएंगे हम, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट जो है मास की वो MU। अब सेम वैसा ही फार्मूला में लिखूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मास ऑफ सैंपल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यूनिट हम बराबर कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो जब मुझे एटम निकालने थे तो मैंने यहां किसका मास लिया, एटम का, एटॉमिक मास। और जब मुझे मॉलिक्यूल निकालने होंगे तो यहां क्या रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मास, ठीक। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं O2 से, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? अब ऑक्सीजन आपको याद रखना पड़ेगा 16, तो कितना हो गया ये 13। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, MU। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसमें दिखाएंगे हम, ओजोन 48 MU। ठीक, हमसे बोला H2SO4 98 MU, सिंपल जोड़ देना है एल्जेब्रिक सम। Cl2 क्लोरीन इज 35.5, ठीक है ना। तो क्लोरीन का जो है मॉलिक्यूलर मास अगर एक एटम ले तो उसको अपन जो है अभी यहां रख देते हैं, छोड़ देते हैं 71। तो इस तरीके से जो है अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज करो मैंने कहा कि हमारे पास सैंपल है सपोज 72 MU वाटर सैंपल। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम मॉलिक्यूल्स आर देयर, बताइए कितने होंगे मॉलिक्यूल्स। सीधा ही बता सकते हैं, फार्मूले से करना चाहे तो 72 MU अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 MU, आंसर कितना आ गया। अब अगर मैं इसकी जगह 72 ग्राम कर देता तो फिर क्या होता, ग्राम को चेंज करता मैं MU में, सेम चीज हो जाती कि अगर मैंने एग्जांपल लिख दिया होता कि कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम वाटर, तो हम सिंपल वैसे ही करते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सैंपल का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना है 18 MU। बात समझ आई, फार्मूला क्या है, सैंपल का मास अपॉन। अब अगर दोनों अलग अलग यूनिट्स में हो तो कैंसिल करने से पहले यूनिट को चेंज करना जरूरी है। तो मैं अभी इसको क्या लिखा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसे 72 इंटू NA और ये क्या आ गया MU, तो अपॉन 18 MU। तो सोल्व करने पर कैंसिल आउट करके आंसर 4 है। ये बात समझ गए सब। अच्छा, अभी तक अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल निकालने के बारे में। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ये लिख दूं कि एग्जांपल 96 MU ओजोन सैंपल और मुझसे पूछा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, बताइए कितना आ जाएगा। या मैं इसको सीधा मॉलिक्यूल ना पूछूं, मैं पूछूं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर,
ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, बोलो कितना होगा? 6 होगा। कैसे? कि हमने 96 एमयू लिया है, तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लूं। मॉलिक्यूल कितने आ गए? 96/48। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। अब एक ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स। तो आंसर एटम्स का कितना आ गया? इज इक्वल टू 2 × 3 = 6। ये सारी चीजें यूनिटरी मेथड है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं कि अभी कोई बहुत जबरदस्त फार्मूला चल रहा है केमिस्ट्री का, ये एकदम यूनिटरी मेथड चल रही है एकदम। कि आपको ये पता लग गया कि यार 48 एमयू एक मॉलिक्यूल का मास है, तो कितने मॉलिक्यूल इसके बराबर होंगे? 96 के बराबर 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3। तो 2 में कितने होंगे? 6। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिटरी। तो यूनिटरी मेथड से भी मोल के काफी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं कि 2 मोल से 4 मोल मिलते हैं तो 4 से कितने मिलेंगे, ऐसी लैंग्वेज का भी हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो वो चीजें बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिकल है एकदम, ठीक ना। तो ये हम एटम्स निकाले, ठीक।